अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द टूथसम फूड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता। उसके लिए हमने 2 कप्स पास्ता ले लिए हैं, स्पाइरल पास्ता हमने लिया है। अब हम इसको बॉईल करने के लिए पैन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं पैन में। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसमें बबल्स बनने हैं, पानी में शुरू हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना स्पाइरल पास्ता। तो डियर, हमारा पास्ता जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल कर देख लेंगे ज़रा। ये देखिए, हमने इसे 13 से 14 मिनट्स तक हमने इसको कुक किया है, बॉईल किया है। इसको हम नाइफ से कट करके देखेंगे। अगर ये सॉफ्ट हो चुका है तो हम इसको, जी ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। स्पाइरल पास्ता को हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना है, वरना ये स्पाइरल्स जो इसके बने हुए होते हैं ये खुल जाते हैं। तो ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो डियर व्यूअर्स, अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। और अब हम इसमें एक ठंडा पानी ऐड करेंगे ताकि जो भी इसके अंदर स्टार्च है वो निकल जाए और एक दूसरे के साथ ही चिपके ना। तो डियर व्यूवर्स, अब हम अपनी वेजीज को करने जा रहे हैं। उसके लिए हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। हाफ कप हमने कैरेट्स लिए हैं, हम इसको डाल देंगे इसमें और इसको सोते कर लेंगे। कैरेट्स जो हैं वो थोड़ा पकने में ज़्यादा टाइम लेती हैं, इसलिए हम सबसे पहले कैरेट्स को ऐड कर लेंगे और इससे 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे ऑनियन। ऑनियन हमने स्मॉल साइज़ की हमने ली है, 1 ऑनियन हमने ली है। साथ ही हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। ज़्यादा हमने वेजिटेबल्स को पकाना नहीं है, थोड़ा क्रंची टेस्ट आए वो अच्छा लगता है। जिसका आ रहा है, अब इसी में हम 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें मिक्स्ड हर्ब्स ऐड करेंगे। वेजीज हमारी कुक हो चुकी हैं। क्रीमी सॉस बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून हमने बटर लिया है, 1 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे, हमने 7 to 8 क्लॉव्स हमने गार्लिक के लिए हैं और उन्हें चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून हमने रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और 1/2 टीस्पून ही मिक्स्ड हर्ब्स हमने ऐड की हैं। अब हम उस वक्त तक इसको पकाएंगे जब तक कि हमारे गार्लिक जो हैं वो गोल्डन नहीं हो जाते, गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तब तक हम इसको इसमें पकाएंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मैदा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे रेफ्रिजरेट किया हुआ मिल्क। 2 कप हमने मिल्क लेना है। और इसको बराबर चलाते जाएंगे। ये हमारी सॉस जो है वो अब ठीक होना शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि ये इसमें लम्स ना पड़ जाएं। ये हमारी वाइट क्रीमी सॉस बिल्कुल रेडी है। हम इसको और ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, बस इसको हम ऐसे ही रहने देंगे।
अपने वेजीज हम ऐड कर देंगे इसमें। तो डियर व्यूवर्स, हमारा पैन जो था वो छोटा था, तो हमने उसको बड़ी पैन में हमने शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं अपना पास्ता। बिल्कुल बाहर जैसा क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता इज रेडी टू सर्व। में हम थोड़े से मिक्स्ड हर्ब ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और हमारा व्हाइट सॉस पास्ता इज रेडी टू ईट। It's really very tasty.